Hi, what's your favorite town hall? मुझे तो मिलर हॉल सिक्स लगता है, मुन्नी अनलॉक होती है। ए चुप कर लेके कान, तुझे मैंने टाउन हॉल के बारे में बोला, मिलर हॉल नहीं। हाय गाइस, सीओसी गुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं ग्रुप के लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो मैं क्लेन गेम्स की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो चेंज हो सकती है एंड थोड़ी अलग क्लेन गेम्स की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। दूसरी बात कि भाई रून ऑफ डार्क एलिक्सर की मैं बात करने वाला हूँ, तो रून ऑफ डार्क एलिक्सर में बेसिकली ऐसा है कि भाई वो मई के मंथ में आ सकती है एंड मतलब कि दो तीन क्लेन गेम्स के बाद रून ऑफ डार्क एलिक्सर आ सकती है एंड उसमें होगा है कि भाई जो लास्ट टीयर होगा उसमें आएगी और वो टीयर अनलॉक करने के लिए 75,000 आपको पॉइंट करने पड़ेंगे। यस, 75,000 पॉइंट करने पड़ेंगे और उसी टीयर में रून ऑफ डार्क होगी एंड नीचे बुक ऑफ एवरीथिंग होगी एंड नीचे जेम्स होगा। तो ये रूमर्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई कब आएगी, तो भाई ये रूमर्स आ रहे हैं ये डार्क रून के, ओके, एंड साथ में बुक ऑफ एवरीथिंग के भी रूमर्स आ रहे हैं कि भाई उसी टीयर में होगी, जिसमें डार्क रून होगा उसी टीयर में बुक ऑफ एवरीथिंग होगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है, सेम टू सेम यही निकलता है रूमर्स या फिर वो लोग चेंज करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो फाइनल है कि भाई वो लोग क्लेन गेम्स बड़ी रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी तक उन्होंने इसीलिए नहीं दी। तो अब चलो थर्ड चीज़ एक बारे में बात करते हैं। तो थर्ड चीज़ है नेक्स्ट क्लीन गेम्स की इन्फॉर्मेशन, तो देख लीजिए यहाँ पर है। फर्स्ट ईयर में 1500 पॉइंट है, पावर पोशन है, ट्रेनिंग पोशन है, रिसोर्सेज पोशन है। उसके बाद सेकंड ईयर में 3000 पॉइंट है, जिसमें है 20 जेम्स एंड रिसोर्सेज। फिर 7500 पॉइंट है, 1 बिल्डर पोशन, 2 रिसोर्सेज पोशन एंड 2 वॉल ऑफ रिंग। उसके बाद फोर्थ टीयर, उसमें 80,000 पॉइंट, 1 बुक ऑफ बिल्डिंग, 1 बुक ऑफ फाइटिंग एंड 1 बुक ऑफ स्पेल। उसके बाद टीयर फाइव, उसमें 30,000 पॉइंट, 1 रून ऑफ गोल्ड, 3 ट्रेनिंग पोशन एंड रिसोर्सिस। एंड लास्ट में टीयर है टीयर 50,000 पॉइंट, उसमें 1 रून ऑफ एलिक्सर, 3 बिल्डर पोशन एंड रिसोर्सिस पोशन। तो इसमें मे भी टीयर में भी चेंजेस हो सकते हैं पॉइंट में, ओके, मतलब कि टीयर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके, मतलब कि छठा सातवां टीयर भी कर दे वो लोग। या फिर ये जो रून ऑफ गोल्ड है, रून ऑफ एलिक्सर है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, बट अभी ये दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी कोई एक चीज़ नहीं आएगी ये कन्फर्म है। बट मुझे हिसाब से लग रहा है कि भाई रून ऑफ गोल्ड में भी कैंसिल हो सकता है, दैट्स माय स्पेकुलेशन, या मुझे ऐसा लग रहा है। बट देखते हैं भाई कौन सी चीज़ कैंसिल होती है, रून ऑफ गोल्ड कैंसिल होता है या फिर रून ऑफ एलिक्सर। बट हाँ, उतना तो एक चीज़ ध्यान में रखना है भाई, ये क्लैन गेम्स की इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है एंड मोमेंट पर। तो जैसे ही डेरियन भाई ऑफिशियली पोस्ट करेंगे फोरम पे, मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, ओके, वो तो करेंगे एक दिन पहले या फिर मैक्सिमम दो दिन पहले करेंगे, तब तक तो करेंगे नहीं, तो उसकी मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पे, तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो ये थी आज की वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई ये क्लेन गेम्स कैसी है, #good या फिर #bad करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस।